Hey guys, welcome back to my channel. This is Vishakha. I hope you all are doing well. So if you're watching me for the very first time, I would be really happy if you'll take a moment and subscribe to my channel. Hit the bell icon for further notification. So aaj ka jo ye video hai, this is about my mom's jewelry collection. So you are going to get to see some amazing jewelry pieces, you guys. Aur ye jo jewelry hai, ye humne purchase ki hai ek particular group se. This is a WhatsApp group by the name Ritu Jewelry Group. सो हम इस ग्रुप से परचेज कर रहे हैं फ्रॉम अराउंड लास्ट वन ईयर एंड वी हैव गॉट सम अमेजिंग पीसेस. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू डिस्क्लोज इट टू यू गाइज एज वेल सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट सम ब्यूटिफुल पीसेज आउट देयर. शी सेज अमेजिंग पीसेज यू गाइज फ्रॉम हेड टू टो. आपको जो भी चाहिए सब कुछ मिलता है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में. और ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल प्राइस है तो क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं लास्ट वन ईयर से परचेज कर रही हूँ और मेरी जो क्वालिटी है ज्वेलरी की वो अभी तक सेम है, बिल्कुल नई जैसी है. बिल्कुल भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, बहुत ही परफेक्ट आई है. सो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी कि आपको क्वालिटी भी मिल रही है, पैसा भी कम लग रहा है, बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल है और वैरायटी तो इतनी है कि पूछो मत आप. और अभी जब मैं आपको ये ज्वेलरी दिखाऊंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप से कि किस तरीके की ज्वेलरी है, क्वालिटी कैसी है. मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, प्राइस बताऊंगी तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा. तो अब डिले नहीं करते हैं. एंड वन मोर थिंग गाइज, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. अगेन मुझे चीजें पसंद आई इसीलिए मैं इसको डिस्क्लोज कर रही हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो. पहले लेट मी शो यू सम ब्यूटिफुल स्टेटमेंट पीसेस और जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, अराउंड 150 टू 200 की प्राइस में है. फर्स्ट इज दिस ब्लैक स्टेटमेंट पीस. ये ब्लैक कलर की माला में है एंड दिस हैज अ बिग स्टोन ओवर हेयर. सो ये काफ़ी अच्छा लगता है व्हेन वी वेयर इट. इसको आप आराम से साड़ीज के साथ पेयर कर सकते हो, आप सूट्स के साथ पेयर कर सकते हो, इवन जो सेमी वेस्टर्न क्लोथ्स होते हैं उनके साथ आप पेयर कर सकते हो. बहुत ही गुड लुकिंग लगते हैं ये, आपके लुक को एकदम से एनहांस कर देते हैं. सो आई हैव फोर डिफरेंट कलर्स ऑफ दिस. सो द फर्स्ट शेड इज दिस वन. देन नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लू स्टेटमेंट पीस. सो ये जो है इसके अंदर ब्लू कलर का स्टोन है, काफी अगेन स्टनिंग सा शेड है इसका. आप इसको पेयर कर सकते हो येलो कलर के साथ, ब्लू कलर के साथ, व्हाइट कलर के साथ, ब्लैक कलर के साथ, काफी अच्छा लगेगा ये. सो दिस इज माई थर्ड स्टेटमेंट पीस एंड दिस इज इन रेड कलर एंड दिस हैज अ ओवल स्टोन ओवर हेयर. जो मैंने आपको पहले दिखाए थे उसमें राउंड स्टोन था और इसमें ये ओवल स्टोन है. सो दिस इज अगेन अ ब्यूटिफुल पीस. आप इसको येलो के साथ पेयर कर सकते हो, अगेन व्हाइट, रेड. रेड है, रेड तो काफी कलर्स के साथ आप पेयर कर सकते हो, गोल्डन के साथ कर सकते हो. ये जो फोर्थ स्टेटमेंट पीस है दिस इज एन इंक ब्लू कलर और बीच में अगेन ओवल शेप का स्टोन है इसके अंदर. So next I have this colorful bead statement piece and again this you can pair it up with so many different dresses you guys. आप इसको वेस्टर्न के साथ भी पेयर कर सकते हो, काफी सुंदर लगेगा ये. और ये भी काफी रीजनेबल प्राइस में है. दिस इज अगेन फ्रॉम 150 टू 200 के रेंज में ये आपको मिल जाएगा. काफी सुंदर सा पीस है ये. यू कैन सी हाउ कलरफुल दिस इज. जो सारे कलर्स हैं इसके अंदर ये काफी सारे ड्रेसेस के साथ आपके मैच हो जाएंगे. सो अगेन अ ब्यूटिफुल पीस आउट हियर. नेक्स्ट आई हैव थ्री डिफरेंट चेन काइंड ऑफ पैटर्न्स. सो जिन लोगों को बहुत लाइट ज्वेलरी पहनना पसंद है या बिल्कुल एक सिंपल चेन पहनना पसंद है, सो उन लोगों के लिए ये दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी वर्क्स ग्रेट. सो लेट मी शो यू द फर्स्ट वन. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. सो इट हैज पिंक, ग्रीन एंड गोल्डन मोती इन इट. और ये डबल करके मैंने आपको दिखाया है, ये सिंगल लेयर है, डबल लेयर नहीं है. सो ये आप आराम से किसी भी ड्रेस के साथ पेयर कर सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ आप पेयर कर सकते हो. ये काफ़ी सुंदर लगेगा और बहुत ही लाइट वेट है, पहन के बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा. नेक्स्ट आई हैव दिस पीस. ये अगेन सेम कलर कॉम्बिनेशन में है, बस डिफरेंस ये है कि वो एक सिंगल लेयर चेन थी और ये फोर लेयर्स हैं इसके अंदर, फोर मल्टीपल लेयर चेन है. प्लस इसके साथ छोटे से इयररिंग्स भी हैं. लेट मी शो यू. सो दे हैव दिस काइंड ऑफ इयररिंग्स ऑल्सो. सो आप दोनों के साथ पेयर कर सकते हो इयररिंग्स तो. सो थर्ड इज दिस वन. सो ये डबल लेयर चेन है और इसके अंदर आप देख सकते हो बीच में मोती है एंड देन गोल्डन स्ट्रेंस है. सो ये काफी ब्यूटीफुल सा
कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा लगता है जब हम पहनते हैं और काफ़ी लाइट वेट है। ये तीनों जो मैंने आपको चेन्स दिखाई हैं बहुत ही लाइट वेट हैं, बिल्कुल भी आपको हैवी फील नहीं होगा पहन के। और ये मैंने बहुत पहले से परचेज करी हुई हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल भी काली नहीं हुई है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप इसको पानी मत लगने दो, इसको एयर टाइट बॉक्स में रखो तो ये बहुत सेफ रहेगी, बिल्कुल कुछ नहीं होगा इसको। और ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज की है। कैन यू बिलीव इट यू गाइज? नेक्स्ट आई हैव एन इयररिंग एंड नेक पीस सेट। सो सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इट हैज मैरून एंड ग्रीन बीड्स और ये काफी रॉयल सा लुक देता है जब आप इसको पेयर करोगे विथ लहंगास एंड सारीज, हैवी सारीज के साथ इसको पेयर करोगे तो काफी अच्छा लगेगा। एंड यू कैन सी इसकी डिटेलिंग कितनी प्यारी हो रखी है। एंड इट हैज ब्यूटिफुल इयररिंग्स एज वेल। लेट मी शो यू द इयररिंग्स ऑल्सो। सो दिस इज हाउ द इयररिंग्स आर। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दे आर। सो दिस यू कैन पेयर इट अप विथ लहंगास, हैवी सारीज और बहुत अच्छा लुक आएगा। ओवरऑल जो लुक होगा बहुत ही एलिगेंट लुक आएगा। सो दिस कॉस्ट मी अराउंड 550। सो 550 के कॉस्ट में ये काफ़ी अच्छा पीस है, आराम से इसको शादी में पहन सकते हो आप। सो नेक्स्ट अगेन आई हैव अ नेकलेस सेट एंड दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट यू गाइज। इसकी डिटेलिंग देखो आप, कितनी प्यारी डिटेलिंग करी गई है। और ये मेरा बहुत पुराना पीस है और फिर भी आप देखो इसकी शाइन कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी शाइन। ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी नया नया परचेज किया है, बट नहीं, ये बहुत पुराना सेट है यू गाइज। बट आप देख सकते हो कितनी प्यारी डिटेलिंग है। और इस सेट के साथ बहुत ही सुंदर से झुमकास है। लेट मी शो यू गाइज, लुक एट दिस। एंड दिस सेट कॉस्ट मी ₹450। सो आप देख सकते हो 450 में तो क्या कमाल की चीज मिल गई है मुझे। लास्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल अमेरिकन डायमंड सेट। सो लुक एट दिस, सच अ ब्यूटिफुल पीस हियर। इसकी डिटेलिंग कितनी प्यारी हुई हुई है आप देख सकते हो। और अगेन ये भी बिल्कुल काला नहीं हुआ है, एकदम जैसा मैंने परचेज किया था बिल्कुल वैसा ही है ये। सो लेट मी शो यू द इयररिंग्स। सो लुक एट दीज ब्यूटिफुल इयररिंग्स यू गाइज। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दीज आर। आप इसको आराम से, इस सेट को आराम से किसी गाउन पे, इवनिंग गाउन पे पेयर अप कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा ये। सो दिस वन इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट एंड दिस कॉस्ट मी अराउंड 550 रुपीज। सो नेक्स्ट आई हैव ब्यूटिफुल अमेरिकन डायमंड कड़ास। सो लेट मी शो यू दीज। सो लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल दीज आर। सो प्रिटी एंड सो एलिगेंट। आप किसी भी, कुछ भी आप वेयर कर रहे हो, आप उसके साथ इसको पेयर कर लो, बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। सो यू कैन सी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, बिल्कुल भी क्वालिटी डिग्रेड नहीं हुई है अभी तक, एक भी इसका डायमंड नहीं निकला है। यू कैन सी, लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक। और ये मुझे अराउंड 500-550 की कॉस्ट में पड़ा था। सो अगेन दिस वॉज नॉट अ बैड डील। ये अभी तक बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने परचेज किए थे। सो आई वॉज रियली हैप्पी विद दीज बैंगल्स। सो लास्ट आई हैव दीज ब्यूटिफुल गोल्डन टच बैंगल्स। यू कैन सी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैंने गोल्ड के बैंगल्स पहने हुए हैं। और पास से आप देखोगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये फेक है, ऐसा ही लग रहा है कि ये गोल्ड के हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, जो आपको अपियरेंस दे कि गोल्ड आपने पहन रखा है, तो यू कैन गो फॉर दीज पीसेस। एंड दिस इज अ सेट ऑफ 4 बैंगल्स
और ये मुझे अप्रॉक्स अराउंड 400 रुपीज़ में पड़ा था और ये बहुत ही सुंदर है, काफ़ी टाइम हो गया इसको भी परचेज करे हुए और बिल्कुल भी कलर फेड नहीं हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने गोल्ड के बैंगल्स पहने हुए हैं। सो अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन गिव इट अ ट्राई टू दीज, ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। सो यू कैन ईजिली पेयर दीज बैंगल्स विथ सिल्क साड़ी, सिल्क सूट्स, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल्क के साथ कर सकते हो, और भी कपड़ों के साथ आप पेयर अप कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि आपने कुछ गोल्ड की ज्वेलरी ही पहन रखी है। सो लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक। टुडे गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो अगर आपको मेरी ये ज्वेलरी पसंद आई है और आप चाहते हो कुछ परचेज करना देन वॉट यू कैन डू इज यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, वहां पे मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी एंड देन लाइक दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ रितुज ज्वेलरी ग्रुप और उसके बाद आप वहां से परचेज कर सकते हो बहुत ईजिली। एंड वन मोर थिंग गाइज, आई एम प्लानिंग कि मैं सारे इयररिंग्स जो झुमकास मैंने परचेज किए हैं इस ग्रुप से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो आई एम गोइंग टू मेक रितुज ज्वेलरी पार्ट 2 वीडियो ऑफ entirely about earrings, so stay tuned. Till then, bye bye.